और उसके बाद जब टोयोटा से मुझे फिर प्यार हो गया, मतलब 60-70 पे चल रहा हूँ ना, तो अगर हल्की सी ये हो गई ना तो उतने में हमारा खेल हो जाएगा। इसने तो कभी आज तक धोखा ही नहीं दिया, कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, कहीं भी स्टार्ट करके निकल जाओ। अच्छा, बस थोड़े पार्ट्स इसके महंगे हैं और जो कंपनी मिलेगा वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। दोनों की स्मूथनेस बहुत डिफरेंस है, मतलब अब वो वाइपर चलता है तो वो जैसे आवाज करता है। और 400-1000 भी जाएंगे तो आप बिल्कुल फ्री माइंड, बिल्कुल रिलैक्स होके जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100 पे चल रहा हूँ और मैंने पावर मोड दबा दिया, ऐसे झटका देगी आपको, मतलब 180 या 170 तक गया। 170 भाई, जैसे आपने कहा ना कि राजा की तरह बैठे हैं, तो राजा जैसा फील भी कर रहे हैं। अच्छा, सीट पर राजा जैसा फीलिंग भी आ रहा है। मान ली देखिए, लड़े ना किसी की बिगाड़ी, मगर लड़ गई तो वो फिर वो उस ओरिजिनलिटी नहीं बन नहीं पाएगी। मगर इस गाड़ी में चेसी है तो ये हम 15 साल के बाद ये कूड़ा हो जाएंगे, तो फॉर्चुनर तो नहीं लेंगे वो। वैसे तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है इनोवा क्रिस्टा। बहुत अच्छी और सबके दिलों की राजा है ये गाड़ी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिकी है इंडियन मार्केट्स में और फॉरेन कंट्रीज में भी इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आने वाले समय में मिलता भी रहेगा। तो इसी गाड़ी का आज हम लोग रियल ओनरशिप रिव्यू करेंगे और देखते हैं ये जो इनके इसके ओनर है वो हमको क्या बताते हैं कि किस तरह का जो है रिस्पॉन्स ये गाड़ी उनको दे रही है। ये गाड़ी अराउंड जो है 50,000 किलोमीटर से चला चुके हैं और इनसे पूछेंगे को आज तक क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ा इस गाड़ी के साथ, जैसे कि सर्विसेज को ले ले या और अदर थिंग्स होती है। तो भैया इस गाड़ी के ओनर से आपको मिलवाते हैं, जो कि इस गाड़ी को अराउंड जो है 6 या 7 ईयर्स के ओनरशिप हो चुकी है इस गाड़ी की। तो भैया से मुलाकात कराते हैं। भैया है रोहित रिचर्ड इनका नाम है और इनके पास ये इनोवा क्रिस्टा है जो कि अराउंड जो है 50,000 आपको बता चुके हैं कि ये चला चुके हैं। तो रोहित भैया वेलकम टू द चैनल एसीवी एक्सपेडिशन। एक चीज और बता दें आपको कि इस गाड़ी का जब आप गूगल पे जो है सर्च में डालेंगे कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, ये किससे किस गाड़ियों से कॉम्पीट करती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम दिए हैं जिनको कि मैं जो हूँ पर्सनली, मगर देखा जाए तो मैं बिल्कुल उनको इस गाड़ी का कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि उसमें होंडा सिटी, रेनॉल्ट ट्राइबर, मारुति एक्सेल 6 और मारुति अर्टिका का भी नाम दिया हुआ है इनोवा क्रिस्टा के कॉम्पिटिटर वाले लिस्ट में। तो भाई वो हमको बिल्कुल भी नहीं लगती कि जो है ये इनोवा की कॉम्पिटिटर है, क्योंकि जो है इसका और उसका कोई मेल और जोड़ है ही नहीं। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और एक थम्स अप दे दीजिएगा। तो बाकी ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है आप बताइएगा। तो बाकी जो अदर गाड़ियों का लिस्ट में नाम है उसमें आती है एक्सयूवी 500, मराजो, टाटा सफारी, हैरियर और भी सारी बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। तो भैया अब आप ये बताइए सबसे पहले कि जब आप ये गाड़ी लेने गए थे तो और कौन कौन सी गाड़ी आपने जो है उस समय आपने ट्राई की थी या देखा था कि क्या डिसाइड करना है कैसे, मतलब कि ये माइंड में यही था कि इनोवा ही लेना है। मेरे घर में सबसे पहले गाड़ी थी मारुति वैन। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ली अपनी इंडिगो, टाटा इंडिगो, ठीक है, क्योंकि मैं गाड़ी का और गाड़ी के पावर और इंजन का मुझे बहुत शौक है। अच्छी, मुझे अच्छा हैवी इंजन चाहिए, हर किसी का अपना शौक होता है। और मेरे लिए टोयोटा की इनोवा कॉलेस पहले आई थी, सब ये ड्रीम कार थी क्योंकि जैपनीज इंजन एक बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हमने हमारे ड्रीम था मगर ड्रीम ऊपर वाले ने पूरा किया, इंडिगो के बाद जेन ली, जेन के बाद फिर मैंने एक दिल्ली से इनोवा उठाई सेकेंड हैंड। मतलब उस गाड़ी को, मतलब मैंने जैसे बैठा हूँ ना, आप जैसे 1000 सीसी बैठ रहे हो और वहीं 2400 सीसी बैठ रहे हो, तो मतलब मैंने उस गाड़ी को एकदम जिसको देखा उसको तुरंत डन कर दिया और वो मैंने फिर मैंने उसको 4-5 साल चलाया। और उसके बाद जब टोयोटा से मुझे फिर प्यार हो गया, टोयोटा की सर्विस भी अच्छी है, ठीक है, और ये एक ऐसी गाड़ी है कि आप इसका बस समय पे हर चीज का ध्यान रखिए, गाड़ी स्टार्ट करिए, रात में कोई आपसे बोले कि मुझे देहरादून जाना है, मुझे शिमला जाना है, मुझे कोई बीमार पड़ गया मुझे लेके जाना है, और मैंने ऐसे कई लोगों को पहुंचाया भी है,
तो इस गाड़ी के लिए मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मतलब आप गाड़ी सर्विस अच्छी होनी चाहिए और इसका जो पार्ट हमेशा जो रिक्वायरमेंट रहती है समय पे किलोमीटर के हिसाब से वो आप चेंज करिए और गाड़ी आपको कहीं धोखा नहीं देगी, खड़ी तो कहीं नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका ये है कि आपने जब वो सेकेंड हैंड गाड़ी आपने इनोवा इसके पहले यूज कर रखी है तो आपने जो है जो डिसीजन आपका था कि आपको लेना इनोवा ही है, मतलब कोई और गाड़ी आपने देखा नहीं। उस समय थोड़ा मेरे फाइनेंशियल का प्रॉब्लम, मेरा बजट था 10-12 लाख तक। अच्छा। तो मैं सोचा भी महिंद्रा में सोचा, टाटा तो मैं यूज कर चुका हूँ, टाटा गाड़ी अच्छी है मगर टाटा का सर्विस सेंटर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं उसी चक्कर में उसको बेचा हूँ। 4 साल में मैंने बेच दिया, मात्र मेरे ख्याल से 30-40 हजार चली होगी। 30-40 हजार चला के आपने टाटा का इंडिको बेच दिया था, क्योंकि आपको उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी। मतलब हाँ, वहाँ पे आप जाइए तो वहाँ पे मतलब क्या बोले, सफारी वाले लोग आते हैं वो तो उनका पहले सुना जाता है, छोटी गाड़ी वालों को नहीं सुनता है। मगर ये चीज मैंने टोयोटा में नहीं देखी है। अच्छा, वहाँ पे आप अपना पहले से अपॉइंटमेंट लीजिए, वहाँ भी होता है, टाटा में भी होता है। हाँ। हर चीज रूल्स रेगुलेशन हर जगह। अच्छा, मगर वो कि यहाँ पे आप जाइए तो आपको बहुत ज्यादा वो नहीं होगा पेन। अब वहाँ हमने टाटा में जब गाड़ी देते थे सुबह 10 बजे बोला उनने, ठीक है, अब हम गए उनने बोला कि आप 4 बजे आइए। हाँ। तो भाई हमको गाड़ी लेने हम 3 बजे पहुंच जाते थे। हाँ। अब देखा तो गाड़ी मेरी फ्लोर पे पहुंची नहीं है, गाड़ी वहीं खड़ी है जहाँ की जहाँ खड़ी है। वो देख के बड़ा थोड़ा सा वो होता था। अच्छा। मगर उस समय जब हमारी गाड़ी थी तो हमारे कुछ दोस्तों के पास भी गाड़ी थी, तो वो जो है कहते थे कि झांसी में इसका बड़ा अच्छा सर्विस सेंटर है। अच्छा, टाटा का झांसी में मतलब बहुत अच्छी में वहाँ पे। अच्छा, तो मेन ये है कि पॉइंट की भैया ने जो गाड़ी उठाई और इनोवा ली तो मतलब इन्होंने आग बंद करके कुछ नहीं सोचा कि मतलब इसका, मैं फिर वही बोलना चाह रहा हूँ कि इसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं जो इनोवा है। मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है और हर चीज है, मतलब बैठने पे जो फील आता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करने पे जो फील आता है, कंफर्टेबल रहती है आपको, थकाई नहीं लगेगी, तो इसलिए जो एक बार इस गाड़ी में बैठ जाएगा तो दोबारा कोई और गाड़ी के बारे में सोच नहीं सकता। क्यों रूही भैया? मैं इस गाड़ी को, मैंने एक्चुअली में इस गाड़ी किस पर्पस के लिए, मेरा ससुराल है दिल्ली, उससे पहले भी मैंने जो इनोवा उठाई थी वो दिल्ली से उठाई थी और मेरा दिल्ली आना जाना हमेशा रहता है। और इस गाड़ी के साथ ऐसा है कि मतलब इसने तो कभी आज तक धोखा ही नहीं दिया, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। और ये होता है कि जैसे हमें इलाहाबाद से निकलना है, 700 किलोमीटर है डिस्टेंस, और हम लोग 9-10 घंटे में दिल्ली कवर कर लेते हैं, इजीली पहुंच जाते हैं। और पूरा परिवार, मैं सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग करता हूँ, ना कोई ड्राइवर रहता, और मेरी वाइफ होती, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी सास होती है, मेरा ड्राइविंग मैं ही करता हूँ। और मैं कभी भी होता है जैसे बच्चे जैसे 10 बजे स्कूल से छूटे तो 10 बजे निकल लिए, 11 बजे निकल लिए, 12 बजे निकल इलाहाबाद, कभी 2 बजे निकले, कभी कई कई बार तो 5 बजे निकले हैं हम, और हम दिल्ली अपना पहुंचते हैं समय पे और गाड़ी में कहीं कोई नहीं। मतलब उसके बाद में दिल्ली पहुंचता हूं तो मतलब इतना फ्रेश रहता हूं कि मतलब कंफर्टेबल एकदम, मतलब उसमें आपको कोई थकावट नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब इतना मजा आता है गाड़ी चलाने में। अब वही उससे पहले जो देखिए सीसी होता है, इंजन की पावर होती है, जो छोटी गाड़ियां होती है उसमें उतना मजा नहीं आता था। इसमें तो आप पैर रखो और इस गाड़ी का तो ये है कि आप कहीं भी स्टार्ट करके निकल जाओ, बस गाड़ी का वो मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, टाइमली सर्विसिंग और जो भी रिक्वायरमेंट अगर कंपनी बोलती है कि आपका हाँ डिस्पैड वो हो गया इतने किलोमीटर पे है तो आप अपना उसको चेंज करिए और जो भी है। हाँ, थोड़े पार्ट्स इसके महंगे हैं मगर उतने भी नहीं है और मतलब ठीक है। मतलब पार्ट्स इसके एक तो ओरिजिनल नहीं मिलेंगे आपको, मैं दिल्ली जाता हूँ कश्मीरी मार्केट है में, मैंने वहां पे भी इसके ओरिजिनल पार्ट्स आपको नहीं मिलेगा और जो कंपनी मिलेगा वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। अच्छा। मैंने मेरा ये अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है इस चीज का, क्योंकि मैंने इसके वो वाइपर हैं बाहर से कश्मीरी गेट से लिया, वो मात्र मेरे ख्याल से वहाँ 800-900 के थे और यही वाइपर मैंने भी कंपनी से लगाया 4-6 हजार का था, मगर दोनों की स्मूथनेस में बहुत डिफरेंस है। मतलब ओरिजिनल ये एकदम पानी की तरह चलता है। अच्छा। और वो वाइपर चलता है तो वो जैसे आवाज करता और ये तो एकदम पानी की तरह, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा बाहर कुछ चल रहा है। तो भैया इस चीज से ये समझ में आता है कि जो है हम लोग को जब भी कोई पार्ट आना है गाड़ी में, भले वो 2-4 रुपए महंगा हो, बट हमेशा जो है आप ओरिजिनल कंपनी से ही लगवाइए तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस वो चीज दे। तो भैया ये हो गई बात इसके परफॉर्मेंस की। अब जो है ये बताइए भैया कि आपने जो है इस गाड़ी को, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप जो है इसको जो है दिल्ली कई बार ले जा चुके हैं, तो वाया लखनऊ भी कभी कभी गए होंगे, वाया कानपुर भी गए होंगे,
तो एक्सप्रेस रोड या हाईवे पड़ते हैं जहाँ की आप उस गाड़ी को भगा सकते हैं, तो इसकी जो है तुमने कभी टॉप स्पीड नापने की कोशिश की इसको भगा के कि कितना ये दौड़ सकती है, मतलब भाग सकती है? मैंने नहीं नहीं ली थी, ठीक है, इसमें एक पावर मोड भी है। अच्छा, ये है उसका पावर मोड। हाँ, ये पावर बटन भैया आप लोग देख लीजिए, ये पावर मोड है, इको मोड है। अगर मैं 100 पे चल रहा हूँ ना, अगर 100 पे चल रहा हूँ और मैंने पावर मोड दबा दिया तो गाड़ी मतलब ऐसे जैसे चलाते समय ऐसे झटका देगी आपको, मतलब अच्छा एकदम ऐसे एकदम, हाँ वो 100 से एकदम 140-150 पे पहुंच जाएगी। अच्छा एकदम से विद इन सेकेंड। अच्छा, तो मतलब इसका कभी आपने वो पंजा दबा के जो है टॉप स्पीड, अपना कहने का मतलब ये है कि जैसे 140 160 170 200 तक की स्पीड इसमें दी हुई है, ये 200 तक की स्पीड दी हुई, तो इसको टॉप स्पीड पे कितना आप? मैं 180 या 170 तक गया, 170 तक, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ना परिवार बैठा था, तो थोड़ा सा भी दिल में वो होता है कि मतलब कोई अगर टायर ब्लास्ट, हाँ, हो गया, मतलब उस स्पीड में देखिए चलाने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत रैश ड्राइविंग भी करते हैं जिनको, मगर मैं परिवार के साथ जाता हूँ तो मतलब उस समय मैं ये सोचता हूँ ना, जैसे मैं ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे 160-170 पे चल रहा हूँ ना, तो अगर हल्की सी ये हो गई ना तो उतने में हमारा खेल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं शुरू में मैंने बहुत चलाई उतना, अब धीमे धीमे अब मेरा भी माइंड चेंज हो गया है, आराम से जाओ, लेट ही जाओ, आराम से जाओ और अपने घर अच्छी तरह पहुंचो, मतलब लिमिट में चलाओ, 100-120 अच्छी रोड मिलती है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा भगा सकते हो। और मगर यह है कि आप, मैं रैश ड्राइविंग एकदम नहीं की, मतलब ये है कि कहीं जो है मतलब इधर उधर उधर ये सब नहीं चलाता हूँ। तो भाई एक चीज बता दें कि जो है हमारे व्यूअर्स को कि ये ग्लोबल एनकैप जो है रेटिंग इसकी जो है इनोवा क्रिस्टा की 5 out of 5 इसने निकाला था। ग्लोबल जो है क्रैश टेस्ट होता है उसमें जो है ये इसकी रेटिंग जो है 5 star थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज ये कि जो है इसका जो है जो प्लेटफॉर्म है जिसपे ये बनी है, तो ये लैडर के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक गाड़ी का जो है लैडर पे बनना जो है बहुत मजबूती जो है उसको देता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती है। और एक चीज और बता दें कि ये जो इनोवा क्रिस्टा निकाला था, ये बिल्कुल जो है न्यू प्लेटफॉर्म पे रखा था, जिसको कि कहते हैं TNG न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर। इसका न्यू जो है वो उन लोगों ने एक जो प्लेटफॉर्म निकाला है जिसका नाम था TNG। तो भैया आगे बढ़ते हैं और ये बताइए कि अब आपने इस गाड़ी को जैसे लिए है और 7 साल हो गया, तो इसको लंबा लंबा आप लेके गए, तो इसको नॉन स्टॉप कभी आपने जो इस गाड़ी को चलाया नॉन स्टॉप, और कहां से कहां तक चलाया? नॉन स्टॉप तो एक बार अंबाला। अच्छा, अंबाला से हम लोग निकले थे 11 बजे। अंबाला पड़ता है आपका हरियाणा के आगे जो है वो जो बॉर्डर है ना, पाकिस्तान बॉर्डर है, उससे थोड़ा सा ही आगे, वहां से हम लोग जो है निकले हैं दिन में 11 बजे, रात में 2 बजे गाड़ी मैंने सपोर्ट, हाँ मतलब जैसे 2-4 फ्रेंड्स गए थे तो उनको भी छोड़ छाड़ के मैं 2 बजे अपने घर में चले आए। कि आपको ये बता दें ये बेस मॉडल है डीजल क्रिस्टा का, और इसमें देखिए कैप्टन सीट्स ये लगी हुई है दोनों, ये कैप्टन सीट्स हैं, और पीछे भी जो है 3 लोगों का जो है सिटिंग कैपेसिटी है उसमें। ताकि इसमें जो है ये ऊपर सनरूफ नहीं आता है, और कि जो आजकल इंडिया में जो कल्चर चल रहा है लोग बाहर निकल रहे हैं सनरूफ से, हादसे हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी जो है अब इस पे जो है रोक लगा दी है कि सनरूफ से बाहर नहीं निकलना है। अंडर सेक्शन 184F के तहत जो है आप अगर जो है सनरूफ के बाहर निकलते हैं तो जो है वो RTO वाले आपको फाइन कर सकते हैं, अराउंड 1000 से लेके जो है 10000 तक का फाइन आप पे ऊपर लागू कर सकते हैं। और वैसे भी मैं प्रिफर नहीं करता हूँ कि इंडियन रोड्स के हिसाब से जो है, और जो इंडियन में जो एटमॉस्फेयर है इतना धूल है और इतना धूल उड़ती रहती है, तो सनरूफ का कोई ज्यादा नेसेसिटी इंडियन कार्स को है। या इस गाड़ी को आपने चला दिया है 50,000, तो अब ये बताइए कि इस पे आपकी जो है सर्विसिंग जो कॉस्ट गिर रही है वो कितनी गिर रही है, और जो है कैसा सर्विस में आपको फीडबैक मिलता है? सर्विस अच्छी है, टाइमली हो जाती है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता अगर आप बुक करा के जाते हैं तो। अच्छा। बहुत अच्छी सर्विस है। हाँ। और अराउंड 10,000 के अंदर की सर्विस, जो मतलब बिल है और ये सब एयर फिल्टर और जनरल चीज है, बाकी अब वो हाँ बाकी जो चीजें अगर चेंज होगी तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा। अच्छा, और जो चीजें टाइमली जैसे चेंज होना है 80,000 पे 1 लाख, मतलब जनरली जो है मोबिल एयर फिल्टर ये सब जो है आपका 10,000 का, 10,000 की सर्विस होती है 10,000 के अंदर,
तो उसमें ये चीज होता है। अच्छा। और बाकी जो कंपनी अगर बोलती उसमें फिर उसके कॉस्टिंग अलग हो जाती है। अच्छा। फिर वो तो एक नॉर्मल अगर सर्विस कराने जा रहे हैं तो 10,000 मान के चलिए, जो कि इस तरह की गाड़ी के लिए एक रीजनेबल कॉस्ट है, बहुत रीजनेबल है। इतनी अच्छी गाड़ी मतलब बड़ी गाड़ी के लिए जो अच्छी पावर है और जो हर तरह से बेहतर है। भाई बात हो गई सर्विस की और सर्विस की कॉस्ट की, तो अब ये भी बात पूछना जरूरी है कि जो है टोयोटा में आपका जो है कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि जो है कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि बहुत इल ट्रीट करती हैं अपने कस्टमर्स के साथ। एक बार गाड़ी तो भेज देती हैं बट उसके बाद जो उसका रिस्पांस जो अच्छा नहीं आता है। तो भैया ये बताइए कि आपको जैसे आप सर्विस कराने जाते हैं, आप खुद जाते होंगे, तो आप जो है जब जाते हैं तो आपको कैसा वो सर्विस ट्रीटमेंट कैसा मिलता है वहाँ पे एजेंसी के अंदर? ठीक है, अच्छा है, मतलब वो नहीं है कहीं कहीं जो होता है, जैसे अब जाते हैं तो आदमी पानी पूछता है, चाय पूछता है, ठीक है, अच्छे से एंटरटेन करते हैं। हाँ, अच्छा एक लॉबी है, उसमें अपना टीवी चलता है, बैठिए आप, और वहीं पे वो ट्रांसपेरेंट शीशा है, वहीं से आप अपनी गाड़ी को देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, हम बहुत हाई क्लास भी नहीं कह सकते, मतलब 10 में से आप बोलेंगे तो हम उनको 8 या 9 पॉइंट दे सकते हैं। 10 में से 8 पॉइंट देंगे आप? हाँ, 8 या 9 पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब बहुत वो नहीं है, आप है थका मानता है तो कोई किसी को नहीं एंटरटेन किया तो उसमें कोई वो नहीं है। और ज्यादातर देखिए वहाँ ड्राइवर लोग आते हैं, ठीक है, मगर मैं तो खुद जाता हूँ तो फिर वैसा है, मतलब ठीक है, कोई गलत नहीं। भैया अब एक चीज और बताइए आप कि जो है जैसे आप इनोवा ये यूज कर रहे हैं, वैसे तो आपने पहले बोल दिया है कि जो है आप जो है और कोई गाड़ी जो है मतलब प्रेफर ही नहीं करेंगे इनोवा चलाने के बाद, बट तब भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जो है इन फ्यूचर आप जो है दूसरी गाड़ी लेने का मूड बनाते हैं, उसको सेल आउट करेंगे, तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? डीजल गाड़ी का तो अब कल्चर खत्म हो रहा है, ठीक है, 10 साल 15 साल का है तो इतना पैसा खर्चा करने के लिए तो हम फिर डीजल गाड़ी तो अब नहीं लेंगे फिर। अच्छा ठीक है, और ऑप्शन अब आने वाले समय में बैटरी का ही सुन रहे हैं, बैटरी का, ठीक है, तो उस पर ही जाएंगे। आप इतना खर्चा करने के बाद अगर आप उस गाड़ी को अगर 10-15 साल जो आप ड्रीम कार ले रहे हैं, मैंने तो ये ड्रीम कार के बदौल लिया है कि मैं बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैंने शौक है मगर मुझे तो मैंने लिया है, इसीलिए मैंने बेस मॉडल लिया है, ठीक है, तो अब ये हम 15 साल के बाद ये कूड़ा हो जाएगी तो हम फिर इतना तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक शौक था पूरा हो गया, अब आगे होगा तो जो उस समय ऑप्शन होगा गवर्नमेंट का या जो ऐसा ऑप्शन होगा तो हम उस पर ही जाएंगे, ठीक है, बैटरी का होगा तो बैटरी पे जाएंगे। मतलब अभी कोई सच डिसाइडेड नहीं है कि आप फॉर्च्यूनर का कुछ मन में है या कुछ इस तरह का कुछ है कि वो लेना चाहते हैं, या अब इससे ऊपर कुछ देख रखे हैं, मतलब कि जो है, क्योंकि आपसे हम ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने इसके पहले भी इनोवा रखी और उसके बाद आप फिर इनोवा रख रहे हैं, तो इन फ्यूचर इसको बेच के हो सकता है ये बेस मॉडल है इससे ऊपर वाला देख रहे हो, क्योंकि आपको ये गाड़ी इतनी पसंद है। तो लेंगे तो फॉर्च्यूनर तो नहीं लेंगे वो। अच्छा, फॉर्च्यूनर से बेस्ट ये। अच्छा, आप कंफर्टेबल? हाँ कंफर्ट, वो तो देखिए वो एक नेताओं की गाड़ी है, ये फैमिली गाड़ी है, ठीक है, और आप स्टार्ट करिए कहीं भी चले जाइए फैमिली को बैठा के। अब दूसरी चीज भैया ये बताइए कि आप इस गाड़ी को यूज कर रहे हैं, आप और भी गाड़ियां चलाए होंगे जो इंडियन मार्केट में है इसकी कॉम्पिटिटर्स, तो इस गाड़ी को चलाने के बाद जब वो सारी गाड़ियां आप चलाते हैं जो कि इसकी कॉम्पिटिटर है, तो आपको इसके टक्कर की कोई गाड़ी और लगती है, महसूस होता है कि हाँ इनोवा नहीं होती तो मार्केट में तो जो है वो गाड़ी मैं ले सकता था? देखिए बजट के हिसाब से होता है, आदमी को गाड़ी खरीदनी अपने बजट के हिसाब से चलता है, तो जब मैं गाड़ी इससे पहले भी पूछा था आपने तो उस समय ये चीज बताना भूल गया, तो मेरे मन में वो थी महिंद्रा। अच्छा, कि 500 है वो जो। हाँ। तो मगर मैंने जब अपने मैकेनिक के पास गया तो उसने कहा कि उसमें चेसी नहीं है, और वो अगर एक बार लड़ गई, हाँ वो एक बार लड़ गई, वो एक मतलब एक पूरी एक प्लेट है उसके ऊपर बेस्ड है वो। हाँ। और एक बार लड़ गई तो उसका पूरा वो फिर मान ली, देखिए लड़े ना किसी की भी गाड़ी मगर लड़ गई तो वो फिर वो उस ओरिजिनलिटी नहीं वन नहीं पाएगी, मगर इस गाड़ी में चेसी है, तो मैंने मालूम है मेरा जब भी मुझे लेना था तो मैं उस पर ही जाया था, 10-12 लाख का मेरा बजट था, मगर तो मैंने फिर 18 लाख उस समय इसका ऑन रोड प्राइस था, तो 18 लाख लगा के मैंने ये गाड़ी ली, क्योंकि ये उससे पहले भी इनोवा चला चुका था, मैं बजट नहीं था उस समय, मगर फिर मैंने फिर किया उसको जैसे भी लोन लेके जो करके, क्योंकि गाड़ी जो है देखिए
रोज आदमी नहीं लेता है। बड़ी ड्रीम कार होती है आदमी, पहले के समय में होता है, मगर अब तो बहुत ज्यादा फैशन चेंज हो गया, आदमी हर 4 साल 2 साल 5 साल में चेंज कर देता, मगर हम अभी उस लायक नहीं है कि मतलब हमारा भी इतनी वो नहीं है, मगर ये कि हाँ जो चीज लेंगे तो सोच के लेंगे बहुत, ठीक है, आने वाले समय में बैटरी की भी लेंगे तो सोच के लेंगे। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी दो लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी इस समय जो है मूविंग कंडीशन में है। तो भैया एक चीज ये बताइए, इतनी देर से ये गाड़ी जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और चल रही है रोड पे, तो आप लोग बैठे हैं ये कैप्टन सीट पे, तो जो है आप लोग को कैसा फील हो रहा है? मतलब भाई बहुत कम्फर्टेबल सीट है, बहुत आरामदायक। अच्छा, आप इसको 2-4 सौ क्या 1000 भी जाएंगे तो आप बिल्कुल फ्री माइंड, बिल्कुल रिलैक्स होके जा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। तो नितिन भाई आप बताइए कि मतलब पीछे जो ये बैठे हैं राजा की तरह, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब कि जो है अगर आपको 1000 अभी बोले कि 1000 किलोमीटर जाना है इमरजेंसी में, तो आप क्या कहेंगे, जा सकते हैं? भाई जैसे आपने कहा ना कि राजा की तरह बैठे हैं, तो राजा जैसा फील भी कर रहे हैं। अच्छा, सीट पर राजा जैसा फीलिंग भी आ रहा है, और 1000 क्या, मुझे लगता है कि शायद 1500-2000 किलोमीटर भी इस पे चलेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत कंफर्टेबल है, और जो इसके फीचर्स हैं और जैसा इसका एटमॉस्फियर अंदर, इसका एसी ने जैसा कूलिंग बना रखा है ना, वो मुझे लगता है कि यार बेस्ट है, बेस्ट। अच्छा, तो भाई बात कर लेते हैं कंफर्ट की। तो आप लोगों ने आपने सुना ही होगा कि जो ये जो पीछे पैसेंजर की बैठे हुए हैं, तो वो उन्होंने बताया आपको कि वो कैसा फील कर रहे हैं वो पीछे कैप्टन सीट में बैठ के, और उनको बहुत कंफर्टेबल राइड ये लग रही है जो हम लोग इस समय चल रहे हैं, जो कंफर्टेबल ड्राइव है, और हम भी आगे बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है, मेरा लेग स्पेस भी काफ़ी, देखिए हम पूरा स्ट्रेच करके बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जो है मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग जो है मतलब एक कंफर्टेबल ड्राइव है ये। तो भैया से एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो चाहें कि क्रिस्टा लेना है तो आँख बंद करके ले सकते हैं कि नहीं? और दूसरी चीज ये कि कई लोगों का बजट नहीं होता है जो कि नई गाड़ी ले पाए, तो अगर कोई चाहे कि इनोवा क्रिस्टा अगर जैसे कोई सेकेंड हैंड बिक रही है तो उसको लिया जा सकता है कि नहीं, तो ये रोहित भैया ही बताएंगे आपको। तो भैया बताइए मेरे व्यूअर्स को कि अगर कोई गाड़ी लेना चाहे तो क्या हो सकता है? जब मैंने भी सेकेंड हैंड ली थी तो मेरी नई लेने की हैसियत नहीं थी, ठीक है, तो मैंने अपना शौक पूरा करने के लिए सेकेंड हैंड ली। व्यूअर्स को मैं यही बताना चाहूंगा कि ये गाड़ी ऐसी है, अगर 3 लाख भी चली हो ना तो भी आप इसको आंख बंद करके सेकेंड हैंड ले सकते हैं। हाँ, कंपनी से एक बार आप इसका पूरा वो करवा लीजिए, चेकअप करा लीजिए कि कहाँ बनी कहाँ नहीं, उसकी उसका हिस्ट्री निकलवा लिया गया, निकलवा के। ये गाड़ी 5 लाख में भी कुछ नहीं इसका होता है, मैं सामने 6-6 लाख गाड़ी चली हुई है। टैक्सी वाला, मैं किसी की शादी में गया था तो टैक्सी वाले ने सेकंड ली थी और उसकी मेरे ख्याल से 6 लाख चल, और वो भी गाड़ी हमारी गाड़ी की तरह जैसे दौड़, मतलब एकदम साथ साथ, कोई मतलब कोई धुआं नहीं कुछ नहीं डीजल, तो वो 1-1.5 लाख में सब धुआं देने लगे। और ये अगर आप दूसरी गाड़ी देख लीजिए, ये उनकी चाल बदल जाती है, मगर इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं, कोई हमिंग नहीं, कोई वो वाइब्रेशन नहीं, कोई टक टक आवाज नहीं, मतलब इतना चलाने के बाद आज तक कोई फीलिंग नहीं आई कि कोई आवाज हो कहीं से, कुछ हो रहा हो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो भाई आप लोग ने सुना होगा कि इन्होंने बताया कि मतलब अगर कोई 4 लाख किलोमीटर भी गाड़ी चली हुई हो और इनोवा क्रिस्टा हो या इनोवा हो तो आप ले सकते हैं, बट उसका उसके लिए ये है, सबसे पहले आप उसकी गाड़ी की हिस्ट्री निकलवाएगा कंपनी में जाके कि कितना चल चुकी है, मतलब एग्जैक्ट हिस्ट्री आपको कंपनी देगी कि कहाँ कहाँ सर्विस हुआ है, क्या हुआ कंपनी में, हुआ भी कि नहीं हुआ, तो ये सब चीजें क्लियर करने के बाद ही आप लोग उसको जो है खरीदिए, परचेज करिए। तो एट लास्ट हम लोग आते हैं इसका इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो आपको ये बता दें कि ये 2.4 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 148 bhp की और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि एक बहुत पावरफुल इंजन माना जाता है। तो इसी के साथ होप करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत फॉर्मेटिव लगी होगी, और भाई नो डाउट इनोवा क्रिस्टा नाम ही काफी है और टोयोटा का एक अपना जलवा है पूरे वर्ल्ड में, मोटर कार की इंडस्ट्री में प्लस वर्ल्ड में। और इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं और होप करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और दूसरी चीज, जैसा कि हम बताते हैं आपको हर वीडियो में, एक आपको सेफ्टी टिप देते हैं जो कि आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए कि ड्राइव
स्लो एंड ड्राइव सेफ।